गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और मैं रिंकी, जानते तो है ना गाइस। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस बस 5 बज रहे हैं शाम के, और आज की तारीख है 1 अक्टूबर हो रहा है, और आज का दिन है ट्यूसडे। तो गाइस बस मैंने अभी से ब्लॉग चालू कर दिया, और जैसे देख रहे हो कि मैं किचन में ही हूँ, तो मैंने सोचा लो अभी जो है ना शाम की चाय बना रही हूँ, तब से ब्लॉग को चालू कर देती हूँ। और थोड़ी सी झिलमिल होगी क्योंकि आपको पता है कि किचन में सिर्फ एक लाइट है, और जब वो जलती है तो थोड़ी सी झिलमिल झिलमिल होती ही है। और गाइस बस जो है ना दूसरी लाइट है उस साइड में, तो वो मैंने नहीं जलाई है अभी। तो गाइस बस यही है, और मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से मतलब कि 1 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, और आप लोग मेरा ब्लॉग का वेट करते हो, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मेरा ब्लॉग का वेट करते हो। और बस यही है। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा, तभी मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो गाइज बस मैं जो है ना अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और सोच रही हूँ चाय के साथ कुछ बना लूँ क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ से लगी हुई है। तो बस मैं जा रही हूँ मैक्रोनी बनाने, तो बस मैं मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, और मैं कैसे मैक्रोनी बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैक्रोनी सभी बनाने जानते हैं, आप लोग मुझसे अच्छा ही बनाना जानते होंगे, बट जो है ना कैसे मैं ट्राई करती हूँ मैक्रोनी बनाना वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत काफ़ी दिनों के बाद मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी मेरे से बनता नहीं है मैक्रोनी, और वैसे भी मैक्रोनी मैदा का होता है, मैदा की चीज़ें मैं ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो बस आज मेरा खाने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, और चलते हैं इस पर दिखाते हैं कि मैं जो है ना मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ, मैं फिर थोड़ी देर में आपसे बात करूँ। तो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैं मैक्रोनी बना रही हूँ कुछ इंडियन स्टाइल से। तो गाइस यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद मैंने जीरा डाल दिया, और थोड़ा सा हींग डाला, उसमें जो है ना मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज को सुनहरा होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब सुनहरा कलर का हो गया तो इसमें मैंने टमाटर और मिर्च को डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं जो है ना थोड़ा सा मसाला यूज़ करूँगी, जिसमें जो है ना नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालूँगी, और इन मसालों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी जब तक ऑयल अलग नहीं हो जा रहा, सेपरेट नहीं हो जा रहा है मसाले से। मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया था, तो अब मैंने पानी मिला दिया, इतना पानी मिलाया है कि मुझे इसी में मैक्रोनी को बॉईल करना है, क्योंकि मैंने मैक्रोनी को बॉईल नहीं किया है, कुछ अलग टाइप से बनाया है, तो बहुत टेस्टी बनता है। इस टाइप से बनाइएगा, 10-15 मिनट में बन जाता है। फिर मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, और मैंने पानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है मैक्रोनी का, क्योंकि मैक्रोनी में पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस आप इसमें सब्जी भी डाल सकते हो, पर मेरे पास इस समय सब्जी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए नहीं डाला है। तो फ्रेंड अब इस समय जो है ना मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के घर, तो पास में ही रहती है, तो इसलिए पैदल ही चली जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड तो बाइक से जा रहे थे, पर मैंने कहा चलो टहल के चलते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब टहलना भी नहीं हो पाता, घर में ही घर में रह जाते हैं, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो पैदल चलते हैं। तो गाइस मैं अपनी जेठानी के घर आ चुकी हूँ, और यहाँ पर वही जो है ना एल्बम वगैरह देखा जा रहा है, सब पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, बचपन की फ़ोटो, और थोड़ा सा घूमने जहाँ पर घूमने उमने वगैरह गए हैं वहाँ पर, तो एक एल्बम अगर 10 बार भी देखो तब भी मन नहीं भरता है। तो गाइस बस सभी लोग, गाइस जो है ना तनु आपको जो है ना हाय बोली थी उधर, गुनगुन में भी आपको हाय बोला है, तो बस सभी लोग यही बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम के आते हैं तो अच्छा सा फील होगा। गाइस जो है ना मैं आ गई हूँ अपनी जेठानी के घर से अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि आप लोग से बात कर लें, काफ़ी देर से आप लोग से बात नहीं किया है। और बस यही है कि अब डिनर बनाऊंगी, और डिनर में कोई खास नहीं बनाऊंगी, इसलिए उसकी रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, हमेशा बना है 4-5 बार ब्लॉग में। तो गाइस क्योंकि दाल की टिक्की बनाऊंगी, मुझे इस समय वही खाने का मन कर रहा है, और दाल रोटी बनाना था, और ये चावल खाएँगे तो हम दाल रोटी पसंद नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं दाल टिक्की बनाऊँगी।
तो गाइज मैं आज जो है ना कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ अपनी शॉप से, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और बस उसकी तैयारी धीरे धीरे चालू कर दिया है। साड़ी तो मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही, क्योंकि मैं साड़ी ऐसे लेती रहती, किसी चीज़ के लिए स्पेशल नहीं लेती कि जो है ना उसके ही लिए लिया है। तो फिर तो मैं साड़ी पहले ही ले चुकी थी, तो मैं बैंगल लेकर आई हूँ। ये बैंगल देख सकते हो, तो मैं ये बैंगल लेकर आई हूँ। उसमें ऐसे डिज़ाइन है दो साइड में, तो बहुत सुंदर है, ऐसे लटकन है। तो ये मैं बैंगल लेकर आई हूँ और दो लिपस्टिक लेकर आई हूँ। तो ये दो लिपस्टिक, एक रेड कलर की, एक थोड़ी मैरून कलर की है, और एक लिक्विड लिपस्टिक लेकर आई हूँ ये पिंक कलर की। और ये लेकर आई हूँ, ये है स्विच ब्यूटी, ब्यूटी की है क्या इसको कहते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो मैं ये एक लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास एक है ऑलरेडी, और मैं लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था, इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये हाइलाइटर है और बहुत अच्छा हाइलाइट करता है, तो मैं ये लेकर आई हूँ। इस टाइप से देख सकते हो, स्विच ब्यूटी की है। तो मैं ये सब लेकर आई हूँ शॉपिंग करके, शॉपिंग क्या करके, मेरी शॉप में ही था तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। और अब जब करवा चौथ आएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा शॉप जाना होता नहीं है इस टाइम, तो इसकी वजह से मैंने कहा कि अब गए हैं तो ले ही आते हैं। तो ये शॉपिंग किया, और कुछ शॉपिंग और किया जो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे दिखाऊंगी, बहुत सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। नहीं तो ज़्यादा दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते गए अब डिनर बना लेते हैं, और क्योंकि डिनर बनाने का टाइम हो गया, काफ़ी देर हो रहा है, तो बस डिनर बनाऊंगी। और डिनर में कोई खास नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसीलिए मैं उसकी रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि दाल टिक्की बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी, बस यही। और लेकिन दिखा दूंगी आप लोगों को कि डिनर में मैंने आज क्या बनाया, तो बता तो दिया ही कि मैं सिर्फ दाल टिक्की बनाऊंगी, बस यही है। तो गाइस इतने करवा चौथ होता है ना, तो बहुत सारा सामान लेना होता है, क्योंकि एक यही जो है ना सुहागनों का त्यौहार होता है, जिसमें सजना संवरना सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ याद आएगी। अभी तो साड़ी में जो लेकर आए थे पिंक कलर की है, रानी पिंक है, दो कलर में, ऑरेंज और रानी पिंक, उसका ब्लाउज सिलने के लिए गया है, तो वो सिल के आएगा। वो सिल के क्या सिलने क्या गया, मेरी भाभी सिलेंगी, उनको मैं दे के आई, उन्होंने मंगवाया था कि लिया हो तो मैं सिल दूंगी, तो उनको मैं दे के आई थी दिवाली की साड़ी और जो है ना करवा चौथ की साड़ी। तो मैंने था एक ब्लाउज सिलते हैं ना, क्योंकि इस करवा चौथ आने वाला है, तो वो रानी पिंक कलर की, ऑरेंज कलर की साड़ी है, तो वो मैं करूँगी। और बाकी उसकी सबकी तैयारी करना चालू कर दी हूँ, बहुत सारा सामान लाई हूँ, मतलब नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ लेकर आई हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन अभी जो मेरे ऊपर ऊपर रखा था, मतलब वो सारा सामान दिखा दिया जो मैंने रख दिया हर जगह पे, तो वो धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो गाइज मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ मैं दाल टिक्की बना रही हूँ। इसके लिए मैं दाल निकाल रही हूँ अरहर की, उसको धोना है। दाल धो चुकी है तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया, और नमक हल्दी डाल करके सीटी लगा लूँगी, मतलब बॉईल कर लूँगी। और किचन थोड़ा सा फैला हुआ है तो गाइज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं जो है ना दाल को चढ़ा देती हूँ, बॉयल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक किचन में क्लीन कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो गाइज इसलिए गाइज मेरा जो है ना दाल बॉयल हो चुका है, तो मैंने जो है ना कुकर में दाल को जो है ना उबालने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने आटे की लोई की मतलब रोटी बना करके इसको बना लिया है, तो इसको कट कर लिया, ये तो आपको पता ही है, और इसको दाल में डाल दूँगी। और जो है ना जब सारी जो है ना रोटियाँ पड़ जाएंगी, तो मैं जो है ना इसको सीटी लगा लूँगी। एक सीटी में दाल टिक्की पक जाती है, उसके बाद तड़का लगा दूँगी लहसुन हींग और मिर्चे से, तो बस जो है ना फिर चटनी बन जाएगी। तो बस डिनर में दाल टिक्की ही बनेगी और चटनी तो रहेगी। तो गाइस इसलिए बस जो है ना अब दाल टिक्की बना लूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस समय मॉर्निंग हो रहा है और बस जो है ना मैं सो के उड़ गई हूँ, और बस आज जो है ना मेरी क्या मेड आएगी नहीं, तो सारा काम तो मुझे ही करना है। मतलब कि आज उसको कहीं जाना था, तो उसने हमसे एक दिन पहले ही कह दिया था कि भाभी मैं कल नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे जाना है। और कहता है ना कि जो हम लोग तो भले किसी रिश्तेदार के घर जाए ना जाए, पर कहते हैं ना कि जो हमसे थोड़े से छोटे होते हैं, छोटे भी नहीं कह सकते, वो तो हम लोग से भी बड़े होते हैं, क्योंकि सबका हेल्प करते हैं। तो गाइस जो है ना उन लोग की फैमिली, मतलब चाहे जितनी बड़ी हो या छोटी हो, वो प्रत्येक रिश्तेदार के घर जाते हैं, उनके फंक्शन को अटेंड करते हैं। हम लोग पास तो भले टाइम ना हो, हम लोग ना भी जा पाए, तो वही कह रही थी कि भाभी मुझे जाना है,
अपनी जो है ना जेठानी की बेटी के जो है ना बेटी के मुंडन में, तो मैंने कहा बड़ा लंबा रिश्ता है। क्या मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे, लेकिन मेरी बड़ी जेठानी जा रही तो मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा चली जाना, क्योंकि मैंने ही उससे कहा कि क्योंकि आजकल क्या होता है मेड लोग जो होती हैं वो छुट्टी कर जाती हैं और बताती भी नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हें जब भी छुट्टी चाहिए तो पहले ही मुझे बता दिया करो, जिसमें मैं तुम्हारे वेट ना किया करूँ और अपना काम अपने टाइम पर कर लिया करूँ। तो वेट करना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ख़राब लगता है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ और वो आएगी नहीं। तो गाइज़ यही सब है। मॉर्निंग में आज मतलब कहता नहीं क्यों, कल रात को मैं सो नहीं पाई ठीक से, मुझे नींद ही नहीं आई। ऐसे तो मैं सो गई थी 11 बजे के करीब में, पर नींद 3 बजे टूट गई, उसके बाद से मुझे नींद ही नहीं आई। तो मेरा सर थोड़ा सा भारी है, सर में दर्द सा लग रहा है, लेकिन बस ये है कि आज तो सारा काम मुझे ही करना है। और वैसे भी मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, पर इस समय जो है ना उसको मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा खोज पोछ होता है, उसकी वजह से मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो झाड़ू पोछा और बर्तन वही कर लेती है आकर के। तो यही सब है। ऊपर से जाड़ा आ गया है, तो जाड़े में तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि मेड लगी हो तो वही काम करे, क्योंकि जाड़े में पानी में हाथ डाल पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। आप लोग के भी साथ ऐसे ही होता होगा ना, जाड़े में जब सुबह सुबह उठो बर्तन नहीं है तो बर्तन लगे होते हैं, बर्तन नहीं भी होते हैं तो भी झाड़ू में पोछे में हाथ डालना पड़ता है। मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है मॉर्निंग ठंडा ठंडा पानी छूने में। तो गाइस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब जाड़ा लगा हुआ तो जाड़ा में इस मीट को रखे रहते हैं, ये गर्मी में देखा जाएगा। तो यही सब है गाइस। और कल मैंने जो है ना डिनर के बाद कुछ भी नहीं दिखाया था, क्योंकि वही कैब जो है ना नॉर्मली डिनर बना था जो हमेशा हमेशा अक्सर बन जाता है मेरे घर दाल की टिक्की। तो मैंने कहा उसको क्या दिखाना, और आपको बता तो दिया ही था, तो गाइज इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। तो गाइज ऊपर से कल सडनली मुझे जेठानी है मतलब मेरा मन हो गया कि जेठानी के घर जाते हो। कभी कभार होता है ना घर मन सा बड़ा उदास सा होता है, भले हम आप सोच नहीं रहो आपको टेंशन नहीं हो, फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं लगा होता है। तो उसकी वजह से जो है मेरा मन कर रहा था कि घर पे नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं दीदी के घर मतलब मेरी जेठानी के घर, तो पास में ही रहती हैं ज़्यादा दूर रहती नहीं, तो मैं कल वहीं चली गई थी। और बस सडनली प्लान बन गया, अब हमने इनसे कहा कि चलो मेरा मन ऊब रहा है, तो वही हम लोग गए थे। ज़्यादा देर रुके पे नहीं थे, 1 घंटा रुके थे, चले आए थे। तो गए यही है, कहते ना कभी कभार ऐसा अकेलापन सा फील होता है, फिर मन करता है कि ना कि फैमिली मेंबर के पास जाएं। जब मेरा जो मालूम ससुराल था मतलब जहाँ मेरे सास ससुर मतलब रहते थे, ससुर तो मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, पर सास थी, तो जो ससुराल वाला घर था उसमें सारे लोग जब रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभार जब याद आता, मैं तो ज़्यादा दिन रह नहीं पाई, मतलब मैं मोस्ट टाइम तो दिल्ली में रही थी जिनका जॉब था वहाँ पे, लेकिन लखनऊ में जो है ना जब भी मैं अपनी शादी के 1 साल 1.5 साल रही हूँ मतलब कि उस ससुराल वाले घर में, तो गाइस जो है ना कहते ना वहाँ की जो एक कहते ना 2 महीने की भी जो यादें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो गाइस यही है कि हमारे तो 1.5 साल का था याद है, तो बस बहुत मिस करता है जब कभी जो है ना मन उदास होता है, तो कहता है कि एक ही फैमिली में मतलब एक ही घर में इतनी सारी फैमिली रहते थे कितना अच्छा लगता था। तो चलते गए इस ब्लॉग का यही पेंट करते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत सारी आपसे करने का मेरा मन करता है, लेकिन ब्लॉग भी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं गाइज इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।